नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह, आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्थल भोर, रोहतक, हरियाणा। आज मैं आपसे बात करूंगा फार्माकोलॉजी हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आइए बात करते हैं हम फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। तो जो सबसे पुराना रेफरेंस है वो जो मिलता है वो हमारे आयुर्वेद में मिलता है। सदियों से हम आयुर्वेद में लिखी हुई जड़ी बूटियों के बारे में बात करते हैं। तो चार वेद में से एक ऋग्वेद हुआ जो 3000 BC में था। हमारे जो वैद थे बहुत फेमस वैद हैं चरक एंड सुश्रुत, इनकी संहिताएं भी हैं। वाग्भट हुए जिन्होंने जड़ी बूटियों के बारे में और ज्ञान दिया। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें फार्माकोलॉजी की तो करीब करीब 2735 BC के आसपास चाइना में पैन सियो नाम का एक मैटीरिया मेडिका था जो प्रचलित था, जिसमें दवाइयों के जड़ी बूटियों के बारे में बात लिखी गई, ऐसा है। फिर 1900 BC में इजिप्त, बेबीलोनिया वगैरह में पपायरी करके एक रेफरेंस आता है जिसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। फिर 450 BC में मॉडर्न मेडिसिन का जनक, जिसको हम हिप्पोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, एक ग्रीक फिजिशियन हुए जिनका रेफरेंस आता है, जिन्होंने फार्माकोलॉजी में दवाइयों में इलाज में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसके बाद फिर 65 AD में एक डायस कोराइट्स करके थे, उन्होंने डी मैटीरिया मेडिका नाम से किताब लिखी जिसमें जड़ी बूटियों का उल्लेख आता है। फिर 1785 में पैरासेल्सस ने फॉक्स ग्लोव प्लांट को यूज़ किया फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, जो आज डिजिटलिस जो दवाई है वो उन्होंने उस टाइम उसका इस्तेमाल किया था। देन 1810 में जो एलोपैथी वर्ड था जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथी, वो टर्म कॉइन किया हैनेमान करके साइंटिस्ट थे। फिर 1842 में क्लॉड बर्नार्ड, उन्होंने क्यूरेर का की डिस्कवरी की। देन 1860 में लिस्टर हुए जिन्होंने एंटीसेप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया। 1885 में ओस्टवाल्ड स्मिटबर्ग हुए जिन्होंने यूरेथेन को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 1908 में अगर हम देखें तो जो मेन डेवलपमेंट है जिनका हमारे प्रमाण है, जिनके बहुत सिस्टेमेटिक होता चले गया फार्माकोलॉजी दवाइयों के बारे में स्टडी और सिस्टेमेटिक होती चली गई, 1908 में पॉल एर्लिच हुए जिन्होंने वर्ड सेलेक्ट किया कीमोथेरेपी। उन्होंने मैजिक बुलेट के नाम से डिस्कवरी की जो कि फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग थे। 1923 में एफ बेंटिंग एंड जॉन मैकलियोड, उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की। 1928 में फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की डिस्कवरी की। 1935 में डोमैग डिस्कवर्ड प्रोंटोसिल, फर्स्ट सल्फा ड्रग। 1936 में
Dale and Louis. They discovered nerve impulse transmission. Nerve में कैसे impulses transmit होती हैं, कैसे message transmit होता है, उसकी discovery की. 1945 में जी ब्रॉडजू ने आइसोलेट किया सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम. ये जो सिफ्लेक्सिन था इसको आगे फिर प्यूरीफाई करके सिफ्लेक्सिन ग्रुप जो है डेवलपमेंट हुई. 1950 में कैंडल, रिचस्टीन एंड हैंच ने एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को डिस्कवर किया. 1982 में बर्गस्ट्रॉम, सैमुअलसन एंड वैन दे डिस्कवर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. 1998 में फर्स्टगॉट, इग्नेरो एंड म्यूरेट दे डिस्कवर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड एज ट्रांसमीटर इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. इन 2000 कार्लसन, ग्रीनगार्ड एंड कैंडल दे डिस्कवर्ड रोल ऑफ डोपामिन इन सिजोफ्रेनिया. ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में मेन जो इवेंट्स हुई, वैसे तो बहुत इवेंट्स हैं लेकिन जो मेन रेफरेंसेस मिले वो मैंने लिस्ट किए हैं. इंडियन हिस्ट्री में अगर हम वापस आएँ तो 1941 से 1957 के बीच में कर्नल रामनाथ चोपड़ा डायरेक्टर रहे DRL श्रीनगर के. इन्होंने फर्स्ट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया जो आज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है. कर्नल रामनाथ चोपड़ा, RN चोपड़ा को हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है, उनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं. वैसे तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कितने सैकड़ों हजारों रेफरेंसेस हैं जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुई, जो कि हम लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेन जो हैं वो मैंने लिस्ट करने की कोशिश की है. सो दैट्स ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी हिस्ट्री इन ब्रीफ. आप कुछ और पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. इन द एंड आई एम थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. गुड डे, बेस्ट ऑफ लक.